हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल द नॉलेज गिरी पर, जिस पर हम आपके लिए लाते हैं कंप्यूटर और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नई से नई और अच्छी वीडियोस, जिसमें हम आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक सभी जानकारी आपको देते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले एक कंप्यूटर के तीन मेन कंपोनेंट्स के बारे में, रोम, कैशे और सीमॉस के बारे में, जो आपके मदरबोर्ड में और एक आपके सीपीयू में लगा हुआ होता है। इसके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं होगा क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की जाती, क्योंकि ये कंपलसरी आपके मदरबोर्ड में और प्रोसेसर में लग के ही आते हैं। इसे आपको बाहर से खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपका माउस कीबोर्ड आप बाहर से खरीदते हो, वैसे आपको इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं होती। ये इनबिल्ट आपके मदरबोर्ड के साथ ही आ जाता है। तो इन्हीं तीन पार्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रोम के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो रोम से। तो रोम को ही कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। एक नॉन होलेटाइल मेमोरी होती है, जैसे आपकी हार्ड डिस्क वगैरह नॉन होलेटाइल है। मतलब इसके अंदर से लाइट कट भी हो जाए, इसके अंदर से करंट ना भी बहे, तो भी इसके अंदर डाटा सेव रहता है। जैसे आपके मेमोरी में, मतलब रैम में डाटा अगर इलेक्ट्रिसिटी ना जाए रैम तक, तो डाटा उसके अंदर नहीं सेव रहता, वो मिट जाता है। वैसे रोम में नहीं होता। रोम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाए या ना जाए, वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट हो या ना हो, इसके अंदर अगर कोई डाटा राइट करके रखा जाए तो वो कभी नहीं मिटता। इसीलिए उसे रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। मतलब सिर्फ रीड करने के लिए है, ये आपके यूज़ के लिए नहीं होती, ये ज़्यादातर कंप्यूटर के यूज़ के लिए होती है। और ये एक स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करती है। इसमें ज़्यादा आप टीबी में या जीबी में डाटा स्टोर नहीं कर सकते। ये इसमें बस कुछ एमबी, जैसे 4 MB, 5 MB, इतनी ही स्टोरेज होती है इसकी। ज़्यादातर इसे बायोस को स्टोर करने के लिए बनाया जाता है। कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड में बायोस लगा हुआ होता है, जो कंप्यूटर का फर्मवेयर होता है, उसे सेव करने के लिए इस तरह की कंपोनेंट्स को बनाया जाता है। फर्मवेयर्स मतलब अलग अलग तरह के मशीनों में अलग अलग तरह के फर्मवेयर्स यूज़ किए जाते हैं, उन सभी को स्टोर करने के लिए रोम का ही यूज़ किया जाता है। इसका साइज़ जैसे मैंने आपको कहा 4 से 8 MB तक ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। अब हम बात करते हैं इसके तीन टाइप के बारे में। तो सबसे पहला होता है पी रोम, मतलब सिर्फ इसे प्रोग्राम किया जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसा इसका लॉन्ग फॉर्म होता है। तो इसे सिर्फ प्रोग्राम किया जाएगा, इसे इरेज नहीं किया जा सकता। इसके अंदर अगर आप कोई डाटा राइट कर दो तो उसे इरेज नहीं किया जा सकता। उसके बाद होती है ईपीरोम, मतलब इजीली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी। मतलब उसके बाद होती है ईपीरोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, मतलब इसे इरेज भी कर सकते हो और आप इसे प्रोग्राम भी कर सकते हो। और लास्ट में होती है ईईपीरोम मतलब इजीली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये क्या होती है, तो बेसिकली यही ज़्यादातर यूज़ की जाती है, इजीली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल मेमोरी। तो आपके कंप्यूटर में सबसे पहले तो जब कंप्यूटर नया आया था, तब तो सिर्फ पीरोम का यूज़ किया जाता था। उसके बाद अपडेट करके ईपीरोम का यूज़ किया जाने लगा। उसके बाद अब हम इस रोम का यूज़ करते हैं, ईपीरोम का। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो सबसे पहली जो रोम है पीरोम, इसे सिर्फ कंपनी प्रोग्राम कर सकती है और इसे कंपनी इरेज भी नहीं कर सकती। उसके बाद होती है ईपीरोम, इसे कंपनी प्रोग्राम भी कर सकती है लेकिन और इरेज भी कर सकती है, लेकिन आप इसे इरेज नहीं कर सकते। और उसके बाद होती है लास्ट में ईईपीरोम, तो इसे आप भी इरेज कर सकते हो लेकिन आप और प्रोग्राम भी कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसे इरेज करना इतना भी आसान नहीं होता, इसलिए इसे रोम कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। इसे इरेज और प्रोग्राम करना इतना भी आसान नहीं हो सकता। कंपनी एक सॉफ्टवेयर देगी, उसी को आप अपडेट कर सकते हो या डिग्रेड कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। जैसे आप अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरह की छेड़खानी कर सकते हो, वैसे इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर सेव रहेगा उसके अंदर आप ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। तो ये होती है रोम, मतलब रीड ओनली मेमोरी। रोम के बाद हम बात करते हैं कैशे मेमोरी के बारे में। कैशे मेमोरी ज़्यादातर आपको सीपीयू के अंदर डाल के दी जाती है, पहले से ही सीपीयू के अंदर ये होती है, आपको इसे बाहर से लगाना नहीं पड़ता। ज़्यादातर कैशे मेमोरी का यूज़ होता है कि आप जो फ्रिक्वेंटली डाटा यूज़ करोगे उसे सेव करके रखना। जैसे अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बार बार यूज़ कर रहे हो
तो उसके बारे में जो शॉर्टकट्स है, उसके जो टूल्स है, वो सब कुछ कैश मेमोरी के अंदर सेव हो जाते हैं। जिससे आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर अलग अलग टूल्स है, तो वो टूल्स को ये कैश मेमोरी मेमोराइज करके रखता है कि आप कौन सा टूल ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो वो टूल कैश मेमोरी में ही सेव होके रहता है। उसे बार बार प्राइमरी मेमोरी से या सेकेंडरी मेमोरी से लेना नहीं पड़ता सीपीयू को। इस वजह से सीपीयू टास्क ज़्यादा तेज़ी से कंप्लीट कर सकता है, इसलिए कैश मेमोरी का यूज़ होता है। कैश मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी मतलब इसके अंदर जब तक करंट है तब तक ही इसके अंदर डाटा सेव रहेगा। अगर इसके अंदर से करंट चला जाए, मतलब इसकी बिजली काट दी जाए, तो इसके अंदर डाटा स्टोर नहीं रहता। और ये रोम की तरह ही बहुत कम डाटा स्टोर करके रखता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा जैसे मैंने आपको कहा, तो ये बहुत ही कम स्टोर करके रखता है। जैसे आप रोम तो ज़्यादा स्टोर करके रखती है, लेकिन कैश मेमोरी तो बहुत ही कम स्टोर करके रखता है डाटा। जैसे कई 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 कैश मेमोरी तो सिर्फ KB में होती है, लेकिन आजकल के CPUs में 16 MB तक भी, 16 या 32 MB तक भी कैश मेमोरी मिलती है। MB मतलब आप सोच सकते हो TB का सॉफ्टवेयर चलेगा आपके, एक एक TB के कई सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो चलेंगे आपके कंप्यूटर में और उसका डाटा सेव रहेगा कैश मेमोरी में। मतलब ये कितनी ज़्यादा तेज़ी से काम करना होगा उसको कि आप वो प्राइमरी मेमोरी को भी हैंडल करे और सेकेंडरी मेमोरी को भी हैंडल करे और पूरे सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट अपने अंदर सेव करके रखे। हर सेकंड ये अपना डाटा चेंज करता रहता है कैश मेमोरी, ताकि वो CPU को अच्छे से जो भी डाटा चाहिए वो तेज़ी से दे सके। इसीलिए कैश मेमोरी हर समय अपना डाटा, हर क्लॉक पे अपना डाटा चेंज करता है, इसे हम समझ सकते हैं। तो यही है, इसकी वेरी हाई स्पीड है, मतलब बहुत रैम से भी ज़्यादा स्पीड पे कैश मेमोरी काम करती है। रैम आपको पता होगा, हार्ड डिस्क से ज़्यादा स्पीड पे रैम काम करती है, रैम से ज़्यादा स्पीड पे कैश मेमोरी काम करती है, क्योंकि ये CPU के सबसे नज़दीक होती है। और CPU भी सबसे पहले कैश मेमोरी में डाटा चेक करता है, उसके बाद ही वो सेकेंडरी में जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें डाटा चेक करता है, और उसके बाद अगर प्राइमरी मेमोरी भी ना मिले तो सिर्फ वो सेकेंडरी मेमोरी पे जाके चेक करता है डाटा। कैश मेमोरी के बाद हम बात करते हैं CMOS के बारे में। CMOS को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये एक तरह का सेमीकंडक्टर है, बेसिकली आपके कंप्यूटर में ज़्यादातर सेमीकंडक्टर ही होते हैं, लेकिन ये एक स्पेशल सेमीकंडक्टर है जो आपके बायोस की सेटिंग्स है उसे सेव करके रखता है। और एक एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी मतलब जैसे आप कैश मेमोरी है, जैसे आपकी रैम है, उसी टेक्नोलॉजी की होती है ये भी। मतलब इसके अंदर जब तक करंट है तब तक ही ये इसकी अपनी सेटिंग्स सेव करके रखेगा। अगर इसके अंदर से करंट चला जाए तो ये सब कुछ भूल जाता है। उसी वजह से CMOS में एक सेल दिया जाता है जो हमेशा आपके CMOS को करंट की एक सप्लाई देते रहता है, ताकि उसके अंदर का डाटा सेव रहे, मतलब उसके अंदर डाटा प्रोटेक्टेड रहे। जो भी आप BIOS की सेटिंग्स चेंज करोगे, जैसे क्लॉक स्पीड है, मतलब और अलग अलग तरह की सेटिंग्स है, जैसे ओवरक्लॉकिंग की सेटिंग्स है और टाइमिंग है, आपका लोकेशन है, ये जो सारा डाटा होता है उसे सेव करने के लिए BIOS में एक CMOS की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर सारा डाटा सेव रहता है। और ये भी एक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करके रखता है। ये तो रोम से और कैश मेमोरी से भी कम स्टोरेज होती है इसकी, ये बहुत ही कम KB में डाटा स्टोर करके रखता है। कैश मेमोरी के CMOS के बारे में भी आपको पता ही होगा कि ये एक इस तरह का सेल होता है, और इसके नीचे CMOS की एक चिप होती है। इसकी चिप भी ज़्यादातर रोम की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन इसकी वर्किंग रैम की तरह होती है। दिखती है रोम की तरह है, लेकिन वर्किंग इसकी रैम की तरह ज़्यादा होती है, क्योंकि रैम भी एक वोलेटाइल मेमोरी है और CMOS भी एक वोलेटाइल मेमोरी है। और इसे आप अब ऐसा सोचोगे कि रोम और CMOS दोनों क्यों लगाना पड़ता है BIOS को सेव करने के लिए। तो रोम में अगर BIOS रखा गया तो उसे सेफ होता है, मतलब वायरस या कुछ भी उसके अंदर नहीं जा सकता रोम में है तो। और उसकी सेटिंग्स CMOS में रखी जाती है, ताकि आप उसे चेंज कर सके। आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रोम के अंदर सेटिंग्स को चेंज करना मुश्किल होता है, लेकिन CMOS के अंदर को सेटिंग्स को चेंज करना आसान होता है। इसी वजह से अलग से एक CMOS का सिस्टम दिया जाता है रोम के होते हुए भी।
तो अब तक आपको पता चल गया होगा इन तीनों पार्ट्स के बारे में, जिसे मैंने आपको पूरी वीडियो में बताया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ये कंटेंट नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ आप किसी भी दोस्त के साथ इसे शेयर कर सकते हो, नॉलेज को बांटना अच्छी बात होती है। उसके बाद अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल के आइकॉन को भी ग्रे कर देना, ताकि हम आपसे जुड़ सकें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।